नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में शासन प्रशासन व्यवस्था कितनी सख्त है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हिंसा हुई। लेकिन मजाल है कि नवरात्रि हो या हनुमान जयंती, किसी भी प्रकार का दंगा यूपी में हुआ हो। योगी राज मतलब राम राज, और ये सिर्फ भाजपा के दावे भर नहीं, जनता भी यही कह रही है और पूरा देश देख भी रहा है। इसीलिए योगी जैसा मुख्यमंत्री हर राज्य की जनता चाह रही है। अब आप देख लीजिए, ईद के मौके पर देश के कई राज्यों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जबकि वहां किसी भी प्रकार का ना कोई नियम बना था और ना ही कोई पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन यूपी में योगी ने ना सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर ही उतरवाए, बल्कि सड़क पर नमाज भी नहीं होने दी। और इसके पोस्टर भी किसने लगाए वो भी आप देखिए। ये तस्वीर योगी राज की है। यूपी में ईद बड़े सुकून से मनी, वो भी पाबंदियों के साथ। भले ही महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा हो, बाकी राज्यों में सड़कों पर नमाज हुई हो, लेकिन यूपी में त्योहार शांति के साथ मना। अब जब योगी ने इतिहास रच ही दिया है तो चर्चा होनी ही थी, और हुई भी। खुद योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको लेकर ट्वीट किया गया, जो कि आप देख सकते हैं। योगी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नहीं हुई ईद की नमाज। इसके बाद लोगों ने भी इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, वेल डन योगी जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। उसके बाद एक अन्य यूजर ने लिखा कि वी नीड लीडर्स लाइक यू इन ऑल द इंडियन स्टेट। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ का जलवा। हर कोई चाह रहा है कि उसका सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा हो। यूपी में लाउड स्पीकर से लेकर सड़क पर नमाज तक हर विवाद खत्म हो चुका है, और वहीं बाकी राज्यों में अभी भी विवाद चल रहे हैं, और उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास इसका कोई हल भी नहीं सूझ रहा है। महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच विवाद को जन्म देने वाले राज ठाकरे भी योगी की तारीफ कर चुके हैं और उद्धव को सत्ता का भोगी बता चुके हैं। बहरहाल, योगी का ये कदम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।